तेलंगाना में बीआरएस सरकार के घोटालों से परेशान होकर तेलंगाना के लोगों ने कांग्रेस को मौका दे दिया। आप जानते ही हैं कि बीआरएस हो या कांग्रेस, दोनों एक जैसी ही पार्टियां हैं, एक ही सिक्के की दो बाजू हैं। बीआरएस कांग्रेस में गठबंधन है कि नहीं है वो तो तेलंगाना वाले बताएंगे, लेकिन दुनिया को ये पता है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच घोटाला बंधन बहुत मजबूत है, घोटाला बंधन है उनका। गठबंधन यहां की जनता जानती है, घोटाला बंधन सारी दुनिया जानती है। घोटाला बंधन यानी तेलंगाना की लूट में दोनों एक दूसरे को कवर फायर देते हैं, कवर फायर। आप देखिए बीआरएस के लोगों ने कालेश्वरम घोटाला करके किसानों से करोड़ों रुपए लूटे, लूटे कि नहीं लूटे, लूटे कि नहीं लूटे। लेकिन अब कांग्रेस क्या कर रही है भाई, चुप बैठी है। ये लोग बीआरएस के घोटालों की जांच तक नहीं करा रहे हैं, ऊपर से फाइलें खोज खोज करके दबा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके भी कई लोग बीआरएस के साथ घोटाले में शामिल है। इन्हें डर है कि इनकी सरकार में जो खेल चल रहा है कहीं वो खुलकर सामने ना आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को अपना नया एटीएम बना लिया है, लेकिन मैं इन्हें कहना चाहता हूं एक दूसरे को कवर फायर देकर ये खेल बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है और एयर स्ट्राइक भी होती है।